यहाँ पे आप मौजूद है जनता मंदिर पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के खास तौर पर स्टूडेंट्स ज्यादा मौजूद होता है। ये सब बीटेक के स्टूडेंट्स हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से जो स्कॉलरशिप की जो अंडर में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके अंतर्गत इन्हें स्कॉलरशिप जो है वो नहीं दी गई है और जिसे लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सिर्फ एक खास तौर पर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं है बल्कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पे मौजूद है। आइए हम उन्हीं बच्चों से जानते हैं कि उनकी क्या क्या मांगे, उनकी क्या क्या मुश्किलें, क्या है मांगे। जी हाँ मैम, हम AICTE से ये पूछना चाहते हैं कि हमारी वेरिफिकेशन हो गई है, हम अकॉर्डिंग टू स्कॉलरशिप स्कीम मतलब उसमें हम वेरीफाइड हैं, उसके हिसाब से हमारे डॉक्यूमेंट्स भी AICTE ने वेरीफाइड दिखाए हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि हमें पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं अभी तक, हमारी फीस क्यों पेंडिंग है, हमारी फीस क्यों पेंडिंग है, जबकि स्कॉलरशिप के प्रोसीजर के हिसाब से हम वेरीफाइड है। तो हम यही पूछना चाहते हैं और हम सेंटर से भी यही, हमारी डेडलाइन है 10 को, हमें 10 को कॉलेज से निकाल देंगे तो हमारे फ्यूचर को लेकर क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और MHRD स्मृति ईरानी का, इसका क्या स्टेप होगा। हम यहाँ से नहीं उठने वाले तब तक जब तक हमारे फ्यूचर के बारे में हमें जवाब नहीं मिलेगा। तो 75 करोड़ बजट थी और वो डिसबर्स भी हुई है, बट हमने उसे यहाँ रिप्लाई में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह बोला था कि 1200 करोड़ बजट है स्पेशल स्कॉलर स्कीम के लिए। जब हमने वो बाकी अमाउंट कहा, उन्होंने बोला उसको उसके साथ आपको क्या, वो तो हमारा देखना है। बट अब जब AICTE गए उन्होंने वहाँ पे टाल मटोल किए थे हमारे बॉयज के, टाल कर दी गई है और इन्हें जो है स्कॉलरशिप में नहीं मिल पाया है। इस प्रोटेस्ट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है यहाँ पे शामिल है, कौन कौन यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है? फिलहाल तो हम PTU यूनिवर्सिटी से है और रायत बारा यूनिवर्सिटी से है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हैं, बहुत से कॉलेज के बच्चे भी हैं इसमें शामिल, आधों को आई हैं आधों को नहीं आई हैं, लेकिन जबकि वो भी इस लिस्ट में मेरिट के बेसिस पर हुई है उनकी। लेकिन अगर हम मेरिट के बेसिस पर देखेंगे 43 की आई है, 72 वाला पेंडिंग है, 70 वाला पेंडिंग है, 60 वाला पेंडिंग है, तो फिर ये कौन सा मेरिट हुआ? ये इस प्रोटेस्ट में जो भी स्कॉलरशिप को लेकर जो इश्यूज जो उठाया गया है, तो क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ ऐसी मुश्किलें हो रही है या और भी अलग स्टेट के बच्चों के साथ भी आता है? फिलहाल तो ये स्कीम जो है ये स्पेशल JNK के लिए, JNK स्टूडेंट्स के लिए थी, तो फिलहाल ये JNK स्टूडेंट्स को ही प्रॉब्लम आ रही है, ऑल ओवर इंडिया में आ रही है, क्योंकि JNK के जितने भी स्टूडेंट है वो ऑल ओवर इंडिया में पढ़ रहे हैं। देखा जाए AICTE ने भी टाल मटोल कर दी है, उन्होंने साफ तौर पे आप लोगों को कह दिया है कि अब आप लोग अपनी फीस की जिम्मेदारी ले लें, लेकिन अब आप लोग प्रोटेस्ट करें, इसके बाद का की क्या रणनीति है आप लोगों? जी हाँ अगर स्टडी लीव कर सके मिडवे पे, हाँ हम स्टडी छोड़ सके क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि कश्मीर में जो भी प्रॉब्लम हुई है अभी तक उससे सब वाकिफ है, हमारे घर में बहुत कुछ तोड़फोड़ हुई है, हमारे घर में कुछ नहीं है देने के लिए, हम इनकम बेसिस पे आए हैं। स्कॉलरशिप का मेन मुद्दा ही यही था कि इनकम बेस पे बच्चे आ जाएं और हम इनकम बेस पे हैं, हमें अपने 2 साल जाया करने पड़ेंगे, तो यही है बार बार गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट, हमारे फ्यूचर के बारे में वो क्या सोच। 2013-14 के बैच के बच्चों को जो है टाइम पे स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है और इनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से मेरिट बेसिस पे जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो उस दायरे में स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है, कम परसेंटेज के बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जा रही है लेकिन हाई परसेंटेज वाले बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। वहीं AICTE की तरफ से ये भी कह दिया गया है साफ तौर पर कि अब अपनी फीस की जिम्मेदारी बच्चे आप खुद से उठा लें। अगर देखा जाए जिस तरीके से इनके साथ जो समस्याएं हैं और जिस तरीके से जो स्कीमें निकाली जाती है स्कॉलरशिप को लेकर, लेकिन ऐसे मुद्दों पर ऐसे सिचुएशन पर अगर AICTE का ऐसा जवाब होगा तो इस बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? मैं जो आगे सिंह कैमरा पर्सन नीरज के साथ, मुंसिफ TV दिल्ली।